हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, देश भर के कर्जदार सरफेसी अधिनियम से बहुत परेशान हैं। जो 13-2 का नोटिस आता है, उसके बाद 13-4 की सिंबॉलिक पोजेशन की कार्रवाई होती है, और फिर सेक्शन 14 के तहत डीएम का ऑर्डर मिलता है पोजेशन का, और उसके बाद जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं उसकी नीलामी की जाती है बैंक के द्वारा, सिक्योर्ड क्रेडिटर के द्वारा। तो इसके लिए जो 13-2 का नोटिस है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसका बोरोवर को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, दोस्तों देश भर से मेरे पास क्वेरीज आती हैं और 13-2 का नोटिस वो मेरे साथ शेयर करते हैं। काफ़ी लोगों का मैं रिप्लाई बना चुका हूँ। 13-2 के जो ऑब्जेक्शंस हैं वो फाइल करे जाते हैं, और उसके बाद बैंक जो है वो डिफेंसिव मोड में आ जाता है। और एक केस अभी हाल ही में ऐसा भी हुआ जहाँ पर मेरे द्वारा तैयार किए गए ऑब्जेक्शंस के बाद बैंक ने तुरंत प्रभाव से 13-2 का नोटिस रिकॉल कर लिया, उसको रद्द कर दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपको इस केस के आधार पर कुछ ऐसे जो है नुक्ते बताऊंगा कि आप कैसे सरफेसी की कार्रवाई से बच सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलें, और साथ में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते रहें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस लोन अकाउंट में 90 दिनों तक कोई लेन देन ना हुआ हो तो बैंक उसको NPA घोषित कर देता है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटेगरी में डाल देता है, और उसके बाद बैंक सरफेसी की कार्रवाई शुरू करता है। उसमें सबसे पहले 13-2 का नोटिस इशू करता है, उसको डिमांड नोटिस भी कहते हैं, और वो जितना भी लोन होता है उस अकाउंट का, जो भी इंटरेस्ट है, जो भी पेनल्टीज हैं, जो भी चार्जेज हैं, वो सब मिला के एक टोटल अमाउंट उस डिमांड नोटिस में देता है। और ये जो है उसमें ताकीद करता है कि 60 दिनों के अंदर अंदर इस पूरे पैसे का भुगतान किया जाए, ताकि जो है सरफेसी की कार्रवाई यानी कि प्रॉपर्टी को नीलाम करने की कार्रवाई शुरू ना हो। तो दोस्तों, ऐसे ही मैं आप बहुत सारे लोगों के 13-2 के नोटिस जो मिलते हैं उनके रिप्लाई मैंने तैयार किए हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अगर आप समय रहते हुए 13-2 के नोटिस का रिप्लाई दे देते हैं तो आपका बचाव काफ़ी हद तक हो जाता है, लेकिन अगर पीरियड निकल जाता है, बैंक सरफेसी की कार्रवाई को लेकर आगे बढ़ जाता है, तो तब उसमें बचाव होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपको 13-2 का नोटिस मिले तो उसका ऑब्जेक्शन है आप ज़रूर फाइल करें। आप जितने भी पॉइंट्स हैं, जो आपके ग्रीवेंसीज हैं, उस नोटिस को लेकर उनको जो है ड्राफ्ट खुद कर लें या किसी एडवोकेट से करवा लें, और फिर उसको आप बाकायदा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सिक्योर्ड क्रेडिटर यानी कि बैंक के पास से भेजें। दोस्तों, सरफेसी एक्ट 2002 के तहत जब भी आप 13-2 के नोटिस का ऑब्जेक्शंस फाइल करते हैं, उसका रिप्लाई फाइल करते हैं, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर यानी कि बैंक के लिए ये मैंडेटरी है कि वो आपके जो रिप्लाई है उसका जवाब दें, आपके ऑब्जेक्शंस को सेटिस्फाई करें। और अगर वो आपके ऑब्जेक्शंस को नहीं मानते हैं तो तब भी उनके लिए ये मैंडेटरी है कि वो नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर अंदर उसका रिप्लाई आपको भिजवाएं। अगर 15 दिन के अंदर आपके नोटिस का रिप्लाई नहीं आता तो तब जो है आगे की सरफेसी की कार्रवाई जो है वो इल्लीगल मानी जाती है, यानी कि सबसे पहले 13-2 का जो रिप्लाई है उसके ऑब्जेक्शंस का रिप्लाई बैंक के द्वारा देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं एक बार फिर आपसे ये आग्रह करता हूँ कि जब भी आपको 13-2 का नोटिस मिले, आप उसमें कोई भी लेट लतीफ़ी ना करें, और तुरंत अगर बैंक कहीं गलती करता है तो उसके ऑब्जेक्शंस आप फाइल करें। वो ऑब्जेक्शंस आपको बहुत लंबे
समय तक काम आएंगे। अगर आपको DRT में केस करना है या आपको जो है DM के सामने रिप्रेजेंटेशन देना है या हाई कोर्ट में रिट डालनी है तो तब आपके वो ऑब्जेक्शन जो है एक फाउंडेशन स्टोन का काम करेंगे, यानी कि वो आपकी पिटीशन का आधार होंगे। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि एक केस में जिसमें मैंने 13-2 का रिप्लाई तैयार किया था, ऑब्जेक्शंस फाइल किए थे, बैंक को भेजे और बैंक को भेजने के जो है एक हफ्ते के अंदर अंदर बैंक का नोटिस आता है, बैंक की इंफॉर्मेशन आती है कि आपका 13-2 का जो नोटिस था वो टेक्निकल एरर की वजह से भेजा गया था, इसको इसलिए उसको रिकॉल किया जाता है, यानी कि उसको वापस लिया जाता है। तो मैं इस केस की डिटेल्स आपको बताता हूँ। ये टोटल लोन 1,61,00,000 के करीब था, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट था, यानी कि एक ये इंडस्ट्रियल लोन था एंटरप्राइज के को सेटअप करने के लिए, और इसमें जो बोरोवर ने किया वो जो है जब उसने लोन लिया अपने डॉक्यूमेंट्स बैंक में रखे, उसके बाद उसने किसी अपने परिचित के नाम उस प्रॉपर्टी का जो बैंक के पास गिरवी रखी थी उस प्रॉपर्टी का पट्टानामा यानी कि लीज एग्रीमेंट अपने किसी परिचित के नाम, ब्लड रिलेशन में वो नहीं होना चाहिए, उसके नाम में पट्टानामा करा दिया और उस पट्टेनामे को रजिस्टर करवा दिया, यानी कि वो एक ऑथेंटिक रेवेन्यू डॉक्यूमेंट बन गया थर्ड पार्टी के फेवर में, और उसके बाद उस पट्टेनामे के आधार पर जो बोरोवर थे उन्होंने उस जो है प्रॉपर्टी पर जो जिसके नाम पट्टानामा किया था उसके पक्ष में उसकी डिक्री करवा दी, यानी कि कोर्ट की भी उस पर स्टैंप लग गई कि ये व्यक्ति जो है इस प्रॉपर्टी का जो है इसको किराए पर दी हुई है, पट्टे पर दी हुई है, और इससे ये प्रॉपर्टी खाली ना करवाई जाए जब तक कि कोर्ट की डिक्री है, और उसके लिए कोर्ट की डिक्री को ख़त्म करने के लिए जो बैंक है वो पहले कोर्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और वहाँ पर वो स्टे को यानी कि उस डिक्री को तुड़वाने के लिए जो है पिटीशन फाइल करेगा, और उसमें काफ़ी समय निकल जाता है, तो ऐसे में जो प्रॉपर्टी है वो बचने की संभावना ज़्यादा रहती है, जैसे इस केस में ही हुआ। और हमने जो डिमांड नोटिस दिया था उसमें यही ग्राउंड रखा कि जो प्रॉपर्टी है उसका पहले ही पट्टानामा किया जा चुका है एक थर्ड पार्टी के फेवर में, लेकिन वो थर्ड पार्टी जो है वो बोरोवर का लॉयल होना चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो बाद में उस जिसकी नीयत ख़राब हो जाए या बाद में कोई धोखा दे दे। तो ऐसे में अगर जब तक उस पर डिक्री रहेगी तब तक बैंक सरफेसी के तहत उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन नहीं कर सकता, दूसरे शब्दों में अपने ही किसी व्यक्ति को टेनेंट के तौर पर उस प्रॉपर्टी में आप दिखा सकते हैं पट्टेनामे के तौर पर और उसकी कोर्ट से डिक्री करवा लेते हैं। डिक्री बहुत ही आसानी से हो जाती है क्योंकि दोनों पार्टियां आपस में मिली होती हैं और जो है डिक्री करने में कोई खास दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर डिक्री जब हो जाती है तो बैंक इतनी आसानी से उस प्रॉपर्टी को सरफेसी के तहत नहीं बेच सकता। तो हमने यही ग्राउंड 13-2 के नोटिस के ऑब्जेक्शंस में दिया और बैंक ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और उन्होंने वो 13-2 का नोटिस तुरंत प्रभाव से उसको रिकॉल कर दिया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। हैव ए वेरी नाइस डे, टाटा बाय बाय, टेक केयर।